अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। यहाँ पर राघव जो था वो तय करता है कि वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहेगा, क्योंकि उसका जो घर था वो कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता था। लेकिन जिन 2 दिन उसकी छुट्टी रहती थी, ऐसा करके वो जो था अपने घर पर आ जाया करता था। तो पहली ही बार की बात थी जब राघव 2 दिन अपने घर छुट्टी बिताने पर सोमवार की सुबह में कुछ 4 बजे के करीब अपनी बाइक से अपने घर से निकला अपने कॉलेज जाने के लिए। यहाँ पर जो था सर्दियों का वक्त था, इसलिए रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा फॉग थी, जिसकी वजह से थोड़ी दूर का जो एरिया था वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर राघव जो था अपने रास्ते पर अपनी बाइक से जा रहा था, तो तभी उसे रास्ते के बीचों बीच एक आदमी नज़र आया जो दिखने में काफ़ी गंदा लग रहा था। मतलब उसके पैर वैर हाथ हाथ वगैरह पर सब पर मिट्टी लगी हुई थी। तो राघव ने उसे इग्नोर किया और अपनी बाइक आगे लेके जैसे ही बढ़ा तभी उसे कुछ आवाज़ आई, जिसके चलते राघव थोड़ा मुड़ के देखने लगा। तो उसने जो मुड़ के देखा कि अचानक से ही उस आदमी की जो ज़बान है वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है, और इतनी लंबी हो चुकी है कि अब वो उसके पैरों तक आ रही थी। राघव ये सब बाइक चलाते हुए पीछे मुड़कर देख रहा था। अब जिसके चलते क्या हुआ कि उसका आगे जाकर थोड़ा एक गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसकी बाइक और वो साइड में गिर गए। वो खुद को उठा ही रहा था, अपने कपड़ों पे लगी मिट्टी जैसे झाड़ ही रहा था कि उसने देखा वो जो आदमी था वो बड़ी तेज़ी से उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है, और वो एकदम से उसके इतने करीब आ गया और उसने राघव को धक्का दिया। राघव जो था रास्ते पर ही गिर पड़ा और उसने जो था वो राघव के ऊपर बैठ गया और उसका गला पकड़कर दबाने लगा। राघव का गला दबाने के बाद वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा, और मुस्कुराते मुस्कुराते वो भयानक तरीके से हंसना शुरू कर देता है। तो राघव जो था यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, वो चीखना चाहता था लेकिन वो चीख नहीं पा रहा था। इतने में क्या था कि राघव के कानों में किसी कदमों की आहट पड़ी, जैसे कि कोई उसी तरफ चलकर आ रहा हो, और तभी उसने अपने आँखों से देखा कि कुछ दूर 2 से 4 लोग चले हुए आ रहे हैं। इतने में वो जो आदमी था वो एकदम से राघव पर से उठ गया और अचानक से ही कहीं गायब हो गया। तो वो जो लोग थे जब राघव के पास पहुँचे तो उन्होंने राघव को गिरा हुआ देखा तो उसकी मदद की और उसे उठाकर साइड में बिठा दिया, और उनके पास थोड़ा बहुत पानी था जो कि राघव को पीने के लिए दिया। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद राघव का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो लोग फिर अपने आगे रास्ते पर निकल गए। राघव अपने कॉलेज के लिए निकल गया। तो जब वो अपने कॉलेज पहुंचा तो उसने उस रोज़ अपनी कोई भी क्लास अटेंड नहीं की और अपने किसी दोस्त के साथ एक डॉक्टर के पास अपनी मरहम पट्टी कराने चला गया। फिर क्या था कि एक बार फिर से राघव छोटा अपनी छुट्टी में अपने घर पहुंचा, और वो फिर उसी रोज़ की तरह अर्ली मॉर्निंग मंडे में 4 बजे अपने घर से वापस लौट रहा था बाइक पर। तो उसने देखा कि वो जो आदमी उसे पिछली बार मिला था वो आज भी उसी जगह खड़ा हुआ है। तो ये देख एकदम से राघव को बहुत ज़्यादा डर लगा कि यार ये क्या चीज़ है, क्या बला है, ये फिर मेरा यहीं इंतज़ार कर रहा है। तो राघव की जो बाइक थी वो अचानक से ही अपने आप रुक गई।
ऐसी बता गई जो वो एन मौके पर बंद पड़ गई। वो देख ही रहा था तभी वो आदमी एक बार फिर उसकी ओर चलते हुए आया और उसने अपने दोनों हाथों से राघव को बाइक से उठाकर नीचे पटक दिया, जिसकी वजह से राघव को फिर से थोड़ी बहुत चोटें आ चुकी थी। राघव उस आदमी से पूछता कि आखिर तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो यहाँ पर जो वो आदमी था वो राघव की बातों का कोई जवाब ना देते हुए एक अजीब सी मुस्कान दे रहा था, जिसको देख राघव पहले से ज़्यादा डर महसूस करने लगा। लेकिन इस बार जो था राघव अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा था। उसे हनुमान जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो वो उस आदमी से जब डर रहा था तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिसके बाद वो आदमी जो था अचानक से एक बार फिर गायब हो गया। राघव जो था वो फटाफट से अपनी बाइक पर बैठ एक बार फिर अपने कॉलेज के लिए चला जाता है, अपने हॉस्टल पहुंच जाता है। राघव जो अपने हॉस्टल में पहुंचा तो उसने अपने दोस्त से बताया कि मेरे साथ यार दो बार ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उसके दोस्त ने कहा कि अरे यार ये तुझे मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं किसी एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं। दोनों दोस्त फिर उस बंदे के पास पहुँचे तो उस आदमी ने देख कर बताया कि वो जो है वो एक भयानक भटकती हुई रूह है जो अब जो है तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है, और अगर तुम दोबारा फिर कभी उस वक्त पर उस रास्ते से गुजरोगे तो हो सकता है वो तुम्हें जान से भी मार दे। राघव काफ़ी ज़्यादा परेशान और डर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई। उस बंदे ने समझाया कि राघव को उस रास्ते पर उस वक्त दोबारा से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आत्मा उसे परेशान करने के लिए फिर मिल सकती है। उसने कहा कि तुम मंडे सुबह की जगह संडे शाम के वक्त अपने घर से हॉस्टल के लिए आ जाया करो। और फिर जब राघव जो था अपने घर गया अगली छुट्टियों में, तो उसने अपने माता पिता को घर में जो भी थे उन सबको बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी और एक बंदे ने बताया कि वो एक भटकती हुई रूह है जो अब मेरे पीछे पड़ चुकी है, इसीलिए मैं अब सोमवार की सुबह में घर से नहीं निकलूँगा। तो उसकी माँ जो थी वो कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं भी एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारे इस बारे में मदद कर सकते हैं। तो उसी रोज़ जो राघव के माता पिता थे और राघव उस इंसान से मिलने के लिए पहुँचे जो कि एक तांत्रिक बाबा थे। तो तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो जो भी भटकती हुई रूह है मैं उसे कैद कर लूँगा और फिर वो तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक क्रिया विधि करनी होगी जिसके चलते ही वो काबू में आ पाएगी। तो तांत्रिक जो था वो उनसे कुछ सामान मंगाता है और वक्त पर वो जो है उस सामान को लाकर तांत्रिक बाबा को दे देते हैं। फिर उसके बाद जो था तांत्रिक बाबा अपने डेरे में वो क्रिया करते हैं जिसके चलते जो राघव के पीछे वो आत्मा पड़ी है वो उसको कभी परेशान ना करे। तो उस वक्त जब वो क्रिया विधि हो रही थी तो राघव और उसके माता पिता वो तीनों ही बाबा के डेरे में थे। वो तांत्रिक बाबा जैसे ही क्रिया विधि शुरू करते हैं तो अचानक से ही वहाँ चारों ओर एक काला धुआं फैलने लगा था। जब उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि उनके सामने एक आदमी खड़ा है जिसे राघव देख थोड़ा डर रहा था और कहता है कि हाँ ये वही शख्स है जो मुझे रास्ते में मिलता है।
बाबा जो थे वो उस आत्मा से कहते हैं कि आखिर तू इसके पीछे क्यों पड़ा है, जल्दी बोल नहीं तो मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। जो आत्मा थी वो हंसने लगी और हंसते हंसते कहती है कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उस रास्ते पर जो भी कोई उस वक्त से गुजरता है मैं उसे परेशान करता हूँ जैसे इसे किया था। तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा को कहा, तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब तुझे किसी ने परेशान नहीं किया है तो तू क्यों दूसरों को परेशान कर रहा है। उस आत्मा ने साथ में कहा कि मुझे इसी से खुशी मिलती है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, वो रास्ता मेरा है और अगर कोई भी उस रास्ते से गुजरेगा तो मैं उसे हमेशा इसी तरह से परेशान करूँगा और अगर ये लड़का फिर उस रास्ते गया तो मैं इसे मार डालूँगा। फिर क्या था, तांत्रिक बाबा ने अपनी क्रिया विधि जो थी वो जोर शोर से शुरू कर दी और हवन कुंड में वो मंत्र पढ़ते हुए कोई विभूति वगैरह डालने लगे, जिसके बाद वो जो आत्मा थी अचानक से जलना शुरू हो गई और जलते जलते पता ही नहीं चला कब वो राख में बदल गई। फिर बाबा ने वो जो राख थी वो एक छोटे से मटके में भर ली। बाबा जी ने कहा कि तुम लोगों को ये जो राख है वो गंगा में डाल देनी होगी ताकि ये जो भी कोई है इसकी आत्मा को पूरी तरीके से इस संसार से मुक्ति मिल जाए और फिर कभी ये किसी और इंसान को तुम्हारी तरह परेशान ना करे। इसके बाद जो था, राघव का परिवार तीनों मिलकर हरिद्वार जाकर गंगा में उस जो राख है उसको डाल देते हैं, जिसके बाद फिर कभी वो जो आत्मा थी उसने राघव को परेशान नहीं किया। जैसा कि तांत्रिक बाबा ने कहा था, शायद उसे वाकई में उसके बाद मुक्ति मिल गई हो, जिसके चलते वो फिर कभी राघव को उस रास्ते पर नहीं दिखाई दिया और राघव आज भी उसी रास्ते से उसी वक्त पर अक्सर जाता रहता है।